कटनी छटनी मिलर्स को मनमानी टोकन लैब्स टारगेट फिलअप पश्चिम ओडिशार चाषी को पिछा छाड़ुनी मंडी समस्या प्रशासन नीरव हंतसंत चाषी ए दृश्य संबलपुर जिला कुचिंडा उपखंड रे थिबा किछि मंडीर मंडीरे गदा होइछि क्विंटल क्विंटल धान जहाँ को नहीं किछि चाषी निराश होई घर को धान सहित फेरी जाइछती। आशा थिला धान अमल परे बिक्री करी परिवार प्रतिपोषण करिवे हेले सबु किछि ओलट पलट होई जाइछि। प्रति वर्ष परि चलित वर्ष कुचिंडा उपखंड रे धान किणारे प्रथम दिन रु ही अव्यवस्था लागि रहितबा बेले एहा एबे सीमा टपिछि। आईन श्रृंखला परिस्थिति सृष्टि हेबा परिस्थिति को आसीगला कुचिंडा उपखंड रे गत एक तारीख रु धान किणा प्रक्रिया आरंभ होइथिले मध्य एथरे व्यापक अनियमितता हेउथिबा अभियोग हेउछि। चासी मंडी को आणुछन्ति धान बिक्री करबाकु हेले बिक्री होइ पारुनि। चासी निजरा धान धरि मंडी को आसिछन्ति हेले मिलर्स को नालियाखि जोगु चासीर धान बिक्री करबारे अनेक समस्या उपजुछि। एबे शुणन्तु ए नै कोन कहउछन्ति चासी। एस एच जी ग्रुप माँ गजलक्ष्मी एस एच जी ग्रुप नेका धान पकईचे चाषटा एत जोर मेहनत लगलान चाष छाड़ी देखा अलगाटा कले भल हवा इन तो हजार हजार बस्ता पड़चे धान कि कैंसी मिलर नहीं कि कैंसी प्रशासनिक वाले नहीं आसवार कि आमके आ देखवार नहीं बोले आम आउ आगामी दिन ने आउ चाष करूनी चाष छाड़ी दमु आउ टुकन बाबद के आम टुकन ने धान धुनी भी आउनी बिकू ब्लैक ने बिकी दमु आम डिस्प्यूट अनेक जिनिस रोचे मंडी रे से डिस्प्यूट गुड़ाक संशोधन नहीं हेले हमर मंडी रु धान नहीं उठे आउ जेन प्रकार बेढ़ीचन समस्ते जे धान हमर सब लैब्स रे जीवा बागरी लगलान सी एस ओ एस सी ओ अफिस नु धरिकी तुम मिनिस्ट्री लेवल तक सब घेरीचन किए कहारी कथा किए सुनबार नहीं किए आसबार नहीं डाकले भी मंडी के आई अचालचल अवस्था रे पड़ीचे दस हजार पकेट धान अलरेडी हेलान आउ दुई दिन पर कोड़े हजार तीस हजार पकेट तक आमर मंडी रे धान पड़ी रहा एबे तक माने चार तारीख रो धान भी पड़ी रही है उठवार ना नौनी मंडी रे से वेटिंग पैसा दबार नबार रे डिस्प्यूट अच्छे आउ कटिंग सटिंग रे डिस्प्यूट अच्छे से किए कहे आठ के जी किए कहे दस के जी कैंसी मिलर आसबार नहीं आसिक एंता कहीकि पलाऊन आउ से डिस्प्यूट संशोधन नहीं हेल्ले मंडी रु धान नहीं उठे। तेबे मंडी रे हजार हजार बस्ता धान पड़ी रही बेले प्रशासन पक्षरु जेतिकि भित्तिभूमि और पूर्व प्रस्तुति जोगाई दिया जिबा कथा गत वर्ष दिया जायथिबा प्रतिश्रुति तुलना रे सेतिकि जोगाई दिया जाय नाही जेउथिपई चलित वर्ष धान किणारे व्यापक असुविधा देखा जाउथुबा चासी नेता प्रकाश करछथि। तेबे जदि एपरि हुए शेषरे सेही दलाल मालंक कब्जा रे मंडी ओ धान बिक्री करा जिवो बोली चासी माने आशंका प्रकाश करछथि। 15 दिन हम धान किणा आरंभ होता बेले मिलर्स को मनमानी जोगु चाषी धान किणा हो पारुनि। चाषी धान किपरि बिक्री हेबो सेथिप्रति प्रशासन अणदेखा करुथवा बेले धान क्रय रे किपरि सुधार आसिबो सेथिप्रति चेष्टा करबा कथा। जदि एपरि अचलावस्था लागि रहे शेषरे चाषीर टोकन लैब्स होइजिबो आउ एथिपई सीधा सड़क प्रशासन दायी रहिबो बोली चाषी नेता कहिछन्ति। तिरपाल तो देखु आज्ञा आप गुठे तिरपाल भी नहीं न ढापा जल्दी बर्षाटे हो गला बोले आम सब हैरान हो हंसंत हो मरीगल न गला वर्ष भी आम धान बिकि नहीं पार्लु ये वर्ष भी टुकन लैब्स बार के बसला न आम सरकारी कर्मचारी नु धरिकी आम नेता लेवल तक जिते अच्छे मंत्री मैंने सब चक्रव्यूह जेनता अभिमन्यु को मारी देते आम चाषी मानक भी एंता मारबार प्लान कर लगुचे जदि आम बंदोबस्तटा जदि आम चाषी मान सुविधाटा जदि गवर्नमेंट ने करवा बोले आम काण करमु आउ जिते मिलर मैंने आसुचन सात के जी आठ के जी दस के जी कटिंग मागुचन हेतकि देमु बोले आम काण कहीं मंडी खुलीचन आउ मिलर ना आसताई इतार आगर बुधवार शुक्रवार आमर दुईटा गलान तीन टा परचेस डेट गलान आज चार नंबर डेट है चार नंबर डेट रे ही मिलर आसले मिलर नहीं आसले तो आम धान बिकी नहीं पारूँ मिलर आसले प्रशासन भी आई आम खुशी हलुँ पहला पहला सेनु देखा गला पानी फोटका होगा आम खुशीटा इथिर लगे पानी फुटका हो गला कि मिलर मैंने सात के जी आठ के जी नौ के जी आड़के पलाले टेस्टिंग रिपोर्ट काण बताला तो आम कही पारूँ कि हिसाब से सात आठ के जी आड़के पलाले से मैंने चाहूचन एक तारीख टोकन वाला धान पचीस तारीख तक बिकी ना पारू ताकि आठ के जी दस के जी बार के जी कह अटक रखा जाऊ जिते बड़े तार टोकन सरी जबार पखापाखि समय आसवा से चाषी बाध्य होकर
ତାଙ୍କର କଥାରେ ରାଜି ହେବାର ଲାଗି ତାକେ ପଡ଼ବା, ନହେଲେ ଟୋକନ୍ ଲେପ୍ସ ହେଇଗଲେ ତାର ଧାନ ବିକି ନାଇଁ ପାରେ, ସେ ହଜାରେ ଟଙ୍କାରେ ଧାନ ବିକ୍ରି କରବା। ଇହାଦେ ଏହେନ ଜାଗାରେ ବି ଯେତିକି ଧାନ ପଡ଼ିଛେ ସରକାର ଘିନ୍ବାର ଲାଗି ନାରାଜ, ଯେତେ ମିଲ୍ ବାଲେ ଆସୁଛନ୍ ଖାଲି 8 କେଜି 10 କେଜିରେ ମାଗୁଛନ୍, ଆଉ ଆମେ ଯଦି ଏନ୍ତା ଚଲମୁ ବୋଲେ ଧାନ ବିକମୁ କେବେ, ଆମର ଟୋକନ୍ ଲେପ୍ସ ହେଇଯିବା। 1 ତାରିଖ ନୁ ଟୋକନ୍ ଦେଲାନ ସରକାର, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏଖେନ ଜାଗାରେ 10 ଦିନ ହେଇଗଲାନ ବିକି ନ ହେଇପାରୁ, ତ ବର୍ଷାତି ଭିଜିଗଲା ବୋଲେ ଆଉ କିଏ ନେବା ଏ ଧାନକେ, ଆଉ ଆମେ ଚଲମୁ କେନ୍ତା, ଆମର ପରିବାର ବି ଚଲାମୁ କେନ୍ତା, ହେନ୍ତି ତ ମରିଦେଇଛି, ଆମେ ଚଲବାର୍କେ ମୁସ୍କିଲ ହେଇଯାଉଛି, ଧାନ ଯୋଡ଼େଟା ବି ବିକି ନି ପାରିଲେ ଆମେ କେନୁ ଚଲିପାରମୁ। ଆଉ ଗତ ବର୍ଷ ଚାଷୀ ଧାନ ବିକ୍ରି କରିପାରିନଥିବାରୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ବିକ୍ରି କରିବା ନେଇ ଆଶା ବାନ୍ଧି ବସିଥିଲା, ହେଲେ କଟନି ଛଟନି ଯୋଗୁଁ ଚାଷୀର ପିଠିରେ ଏହା ଲାତ ସଦୃଶ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ଆଗକୁ ଯଦି ଧାନ ବିକ୍ରି ସ୍ୱାଭାବିକ ନ ହୁଏ, ଶେଷରେ ଚାଷୀ ଶାଗ ମାଛ ଦରରେ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବ। କୁଚିଣ୍ଡାରୁ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ଧଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।